नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धार्मिक नगरी संभल इन दिनों कूड़े के ढेर और गंदे नाले में तब्दील हो गई है। आप शहर में जिधर निकल जाइए, कचरे कीचड़ और नालों में तब्दील सड़कों से आपका साबका होगा। ये नज़ारा कल ईद के मौके का है, जब शहर में आमतौर पर सफाई की व्यवस्था होती है, साथ ही खुले में कटान पर रोक भी। लेकिन खुले में बह रहे खून को देखकर आम आदमी को भले ही सेहरन पैदा हो, लेकिन नगर पालिका कर्मियों, अधिकारियों, चेयरमैन और मेम्बरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आलम यह है कि आम आदमी कीचड़ और गंदे पानी से लबालब सड़कों से गुजरने को मजबूर है, और ये हाले बयां किसी एक मोहल्ले या बस्ती का नहीं है, बल्कि पूरे संभल शहर का है। आपका नाम? दीपक कुमार। ये जो पानी बह रहा है यहाँ पे, किस वजह से बह रहा है? ये नाले बंद है, नाले आई बकरीद है, ये खून खूब आ रहा है, इधर को रोड पे चल रहा है खूब। क्या कभी महसूस हो रही नगर पालिका की, किस नगर पालिका से नाले वाले की सफाई ना हुई? अगर सफाई होती तो ये रोड पर नहीं आता। ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है? ये वार्ड नंबर 5, मोहल्ला हयात नगर, उम्मेदवार इंटर कॉलेज के पास। आपका नाम क्या है? गजराम। कहाँ के निवासी? यहीं के ही हैं। ये जो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये पानी आ रहा है लोहारवाड़ी मोहल्ला से, साजीपुरा में होकर। इस पानी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, और साल की साल जो यही परेशानी होती है इसमें। अच्छा, इस पानी से आपको क्या क्या दिक्कतें हैं? आपको जब बताओ, जो आपको इसमें इतनी बीमारी है, हमारा ये 12 महीना हमें पानी में निकलने पड़ता है जी। यहाँ और दसियों फिर चेयरमैन साहब के दौरे घूमी आए, भामी हमारी सुनवाई नहीं हुई। चेयरमैन साहब क्या बोले? चेयरमैन साहब जो कह देते हैं, हाँ साहब चलो देखेंगे करेंगे, समझे। 3-4 साल से वो ऐसे उनसे कहते चले आ रहे हैं। इसमें सिफारिश के लिए हम कंवर ऋषिपाल को भी ले गए थे, वो अख्तियारपुर के रहने वाले हैं, मील में वो कुछ उनके जानते भाई हैं, तो उन्हें भी ले गए थे हम दो तीन बार, मगर तब भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की। लोग नगर पालिका ईओ से लेकर चेयरमैन और अपने इलाके के मेम्बरों के पास चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन उन्हें कोरे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला। अलबत्ता जब टैक्स वसूलने की बारी आती है तो नगर पालिका के बाबू से लेकर अफसर तक सभी सक्रिय हो जाते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है। मैं जब भी जाता हूँ पानी में निकल के जाता हूँ, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, वोट लेने वाले बहुत हैं यहाँ पर। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं याद नहीं रहता हूँ, उम्मीदवार स्कूल के पीछे। ये जो पानी आ रहा है इसकी क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि लाल पानी खून का सारा पानी इधर को आ रहा है, गंदगी बढ़ रही है ये मोहल्ले में। अच्छा, ये पानी जो आ रहा है किधर से आ रहा है? ये साजीपुर तरफ से आ रहा है। अच्छा, और कोई? और कोई हमारे घर के सामने तो हमारे पास पानी भरा रहे, चौमासे हो या गर्मी हो, कोई नाले बनाने वाला ना कोई चेयरमैन देखने वाला, वोट मांगने सब आ जाएंगे यहाँ। अच्छा, चेयरमैन साहब से भी शिकायत की थी? करी थी साहब कई बार, उन्होंने जो गौर दी। मेंबर साहब से गई तो उन्होंने भी गौर नहीं दी। अच्छा, मेंबर साहब का नाम क्या है? वर्मा राजकुमार। नरकीय जीवन जी रहे संभल वासियों के दिन कब सुधरेंगे, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि नगर पालिका के ईओ से लेकर बाबू और पियोन तक सभी कान में तेल डाले बैठे हैं, जबकि चेयरमैन और मेंबरों के दर्शन चुनाव के समय ही होते हैं, जबकि चुनाव अभी दूर है। एआरआई न्यूज के लिए संभल से रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम तोमर की रिपोर्ट।